डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम MLIS 102 के बारे में कुछ जान सकेंगे, जिसमें कि आपका टॉपिक है एडवांस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड लाइब्रेरीज। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग एंड द कोऑर्डिनेशन लाइब्रेरी रिसोर्सेज स्टाफ एंड सर्विसेज टू मीट द नीड ऑफ लाइब्रेरी यूजर्स। इफेक्टिव लाइब्रेरी मैनेजमेंट रिक्वायर्स एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल दैट आर द लाइब्रेरी ऑपरेशंस एंड द सर्विसेज। अब आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, लाइब्रेरी में रिसोर्स कैसे आते हैं, स्टाफ कैसे होते हैं और स्टाफ किस प्रकार के होने चाहिए, वो स्किलफुल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, हमें मतलब स्किलफुल स्टाफ की आवश्यकता है कि नहीं है, हमारे यूजर्स कैसे होने चाहिए और हमारे यूजर की आवश्यकता क्या है, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट लाइब्रेरी में करने के लिए क्या, हम जब लाइब्रेरी मैनेजमेंट करते हैं तो इससे लाइब्रेरी में प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसको हम समझ सकेंगे और लाइब्रेरी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के सिद्धांत को जान सकेंगे कि लाइब्रेरी हमारी कैसे ऑपरेट करती है और इसमें किस प्रकार की क्रिया होती है और किस प्रकार लाइब्रेरी को एक चलाया जाता है, उसकी व्यवस्था को देखने के लिए हम क्या क्या करते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड बाय द लाइब्रेरीज टू मैनेज देयर रिसोर्स इफेक्टिव। व्हाट आर द नीड्स? इट्स नीड्स हेल्प टू लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइज, व्यवस्था करने के लिए, कैटलॉग बनाने के लिए एंड द सर्कुलेट बुक्स, जर्नल्स, मीडिया अदर्स मटेरियल्स आर द अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। हमारे लाइब्रेरी में क्या क्या सामग्री होती है, उसको हम किस प्रकार मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की भी आवश्यकता होती है लाइब्रेरी में, और रिसोर्स को हम कैसे मैनेज करें, कैसे हम अपना डेटा रखें, कैसे हमारा रीडिंग मटेरियल्स जो है उसको हम संभाल के रखें, बुक्स को कैसे हम जो है हमारी बुक्स आए, कैटलॉग हो और उसको बाद सेल्फ में कैसे जाएं, सर्कुलेट कैसे हों, जब इशू रिटर्न हो तो वो कैसे डिस्प्ले हों और यूजर्स तक हमारी पहुंच जाएं, जो हमारी बुक्स होती हैं, जर्नल्स होती हैं और मीडिया की कई चीज़ होती है, पेन ड्राइव्स वगैरह होती हैं और अदर मटेरियल्स भी हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें कि कैटलॉग मैनेजमेंट, मेंबरशिप मैनेजमेंट, बारकोड स्कैनिंग होती है, सर्च फंक्शंस होंगे, ऑनलाइन एक्सेस होगा, सेल्फ मैनेजमेंट होगा और फ्री मैनेजमेंट, सर्कुलेशन मैनेजमेंट होगा। लाइब्रेरी में हम इतनी चीज़ों को पहले व्यवस्थित करेंगे तो हमारी लाइब्रेरी चलेगी। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आ जाते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट में कई तरह से हम इसको समझ सकते हैं। पहली बात तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में हम ऑथर्स मैनेजमेंट है, बुक्स मैनेजमेंट है, बुक्स इशू मैनेजमेंट है, लॉगिंग मैनेजमेंट है, सिस्टम यूज़र मैनेजमेंट है एंड द हम इसके आगे देखेंगे कि जनरेट लाइब्रेरी रिपोर्ट्स कैसे यूज़ करेंगे, जनरेट ऑथर्स रिपोर्ट्स कैसे यूज़ करेंगे, जनरेट बुक्स रिपोर्ट्स कैसे यूज़ करेंगे, जनरेट बुक इशू रिपोर्ट्स को कैसे करेंगे, चेक यूज़र लॉगिंग डिटेल्स को हम कैसे देख सकेंगे और जनरेट सिस्टम यूज़र रिपोर्ट्स को जो है हम देखेंगे। फर्स्ट लेवल पे हम DFD को यूज़ करेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम विशेष रूप से जान सकेंगे। अब हमारा आ गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को हम LMS के द्वारा जान सकेंगे। LMS एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है और इशू करने के लिए इसमें हम लाइब्रेरी में
यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम रिसोर्स को मैनेज करते हैं और सिंप्लीफाई रूप से ऑटोमेशन को यूज़ करते हैं। ये LMS जो है यूज़ होता है वो ऑटोमेशन के द्वारा। वेरियस तरह के हमारे लाइब्रेरी में जो रिसोर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, इसके द्वारा हम LMS के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि कैटलॉगिंग कर सकते हैं, सर्कुलेशन सेक्शन को हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, मेंबरशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा यूज़र आता है वो मेंबरशिप लेता है हमारी लाइब्रेरी का, उसको मेंटेन करने के लिए हम यूज़र्स की कई इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेंबरशिप स्टेटस देखते हैं और इसको कई तरह से जो है हम यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटरिंग करेंगे, जब किसी भी लाइब्रेरी में जब हम मॉनिटर करते हैं तो हमारी बुक्स कहाँ है उसकी लोकेशन को हम यूज़ करते हैं। जैसे ट्रैक कर लिए कि हमारी जो है बुक कहाँ पे किस लोकेशन में अवेलेबल है, कहाँ है, स्टोरेज में है कि कहीं पे जो है किसी को इशू है, इसको हम देखते हैं। मैनेजिंग फिजिकली एंड द स्टोरेज स्पेस ऑफ द बुक्स और एंड द अदर मटेरियल्स। अब हम देखेंगे कि लाइब्रेरी में मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत यूज होते हैं, जैसे कि कलेक्शन डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट, यूजर सर्विसेज क्या हैं ये इसको देखेंगे, स्टाफ डेवलपमेंट, रिसोर्स एलोकेशन एंड द असेसमेंट एंड द इवेलुएशन, कोलैबोरेशन एंड द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप मेंबरशिप, लीडरशिप, एसेसिबिलिटी, सस्टेनेबल एंड द इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या हम देखेंगे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में जब हम किसी व्यवस्था को देखते हैं, किसी व्यवस्था को हम यूज़ करते हैं, तो उसमें उसके साथ सिद्धांत का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, कलेक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। जब हम किसी भी पुस्तकालय में वर्क कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कलेक्शन को डेवलपमेंट करें, और कलेक्शन डेवलपमेंट कैसे होता है इन बातों को ध्यान दें। यूज़र सर्विसेज, यूज़र्स जो हमारे आते हैं लाइब्रेरी में उनको कैसे हमें सर्विस प्रोवाइड करना है इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। स्टाफ डेवलपमेंट, हमारे जो स्टाफ हैं वर्क कर रहे हैं उनका विकास कैसे हो, कैसे वो उन्नति करें और स्किलफुल हो, इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और रिसोर्स एलोकेशन, कोई भी रिसोर्स जो है हमारी लाइब्रेरी में कैसे आ रहा है, हमारी लाइब्रेरी में फाइनेंस कैसे आ रहा है, हमारी लाइब्रेरी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। असेसमेंट एंड द इवेलुएशन, और हम किसी चीज़ को मूल्यांकित भी करेंगे, उसका असेसमेंट भी करेंगे, कितनी बुक्स हमारी आई, कितनी गई, यूज़ हो रही कि नहीं यूज़ हो रही है, हमारा न्यू कलेक्शन आया कि नहीं आया, हमारा इस न्यू कलेक्शन आने से क्या बेनिफिट है, यूज़र हमारे लाइब्रेरी में मेंबरशिप ले रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, या हमारी लाइब्रेरी किस हिसाब से ग्रो कर रही है, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, किसी के साथ हम जब हमारे लाइब्रेरी में डेवलप नहीं हो रहा है, और पहले भी जो है लाइब्रेरी एक जो है सर्विस है, संस्था है, वो हम उसको चलाने के लिए कोलैबोरेशन भी किसी अन्य लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं और किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप क्या है, कहीं पर भी लाइब्रेरी को चलाने के लिए क्या क्या है, तो हम अपने और भी जो लाइब्रेरियन से हम देख सकते हैं। कोहा, अब हम देखेंगे कि कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट को यूज़ करने के लिए, एडवांस मैनेजमेंट के लिए कोहा सॉफ्टवेयर है। कोहा इज़ द ओपन सोर्सेज इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स टू हेल्प लाइब्रेरीज एंड द दियर ऑपरेशंस। कोहा एक जो है ओपन सॉफ्टवेयर है, ये लाइब्रेरी सिस्टम से इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है, जिससे कि हम वेरियस फीचर्स को लाइब्रेरी में जो यूज़ होते हैं उसको यूज़ कर सकें और लाइब्रेरी में ऑपरेशंस को एक्टिव कर सकें और हम सर्विस को भी प्रोवाइड कर सकें। इट्स प्रोवाइड टू कॉम्प्रहेंसिव सूट एंड द टूल्स ऑफ द मैनेजमेंट, जो लाइब्रेरी में जो है हम जो टूल्स यूज़ करते हैं उसका भी प्रयोग हम लाइब्रेरी में कर सकते हैं, और हमें जो है कॉम्प्रहेंसिव को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बाद ही हम कोहा को यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑटोमेशन है। ये कोहा मैनेजमेंट लाइब्रेरी में ऑनलाइन एंड ऑटोमेटिव है, अपने आप होगा। वर्कफोर्स एंड द इन्हेंसिंग ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस के द्वारा भी हम कोहा को चला सकते हैं और
इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब फीचर्स ऑफ कोहा, ऑपरेशन एंड द इट्स नीड्स, ओपन सोर्स कम्युनिटी ड्राइवन एंड द कैटलॉग एंड क्लासिफिकेशन। कोहा सपोर्ट्स MARC बेस्ड एंड द कैटलॉग मार्क बेस्ड एंड कैटलॉग एंड अलाउज ऑफ द लाइब्रेरीज टू क्रिएट डिटेल रिकॉर्ड्स बुक्स जनरल्स में मल्टीमीडिया एंड दियर मटीरियल्स। कोहा को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके कई फीचर्स हैं, जैसे कि ओपन सोर्स है एंड कम्युनिटी के लिए है, सभी के लिए, सभी इसको चला सकते हैं, किसी के लिए ये मना नहीं है, किसी के लिए ये नहीं है। इसको एक्सेस करने के लिए ऑनलाइन नेट सर्विस ज़रूरी है, और कैटलॉग एंड क्लासिफिकेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सर्कुलेशन मैनेजमेंट करने के लिए हमारे लाइब्रेरी में किस हिसाब से सर्कुलेशन यूज़ हो रहा है, इसके लिए कोहा हमें हेल्प करता है। इट्स हैंडल द चेकआउट्स, बुक्स जो चेकआउट होती हैं, इशू होती हैं, रिटर्न होती है एंड रिवॉल्व्स एंड द डियर होल्डर्स। और सर्कुलेशन सेक्शन में बुक्स को यूज़ करने के लिए और चेक करने के लिए, चेकआउट होने के लिए बुक्स को, और फिर अपने होल्डर्स में, अपने स्टैक रूम में और अपने सेल्फ में लगने के लिए ये हेल्प करता है। यूज़र मैनेजमेंट, पैट्रॉन एंड द रजिस्टर्ड कैन सच एज द कैटलॉग एंड द मैनेज द अकाउंट्स। ये जो है यूजर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए भी हेल्प करता है और सर्च करता है, कैटलॉग सर्च करने के लिए बुक्स हमारी कौन सी है, किस ऑथर्स की है, कैसे हमें प्रोवाइड्स मिलेगी, इसके लिए हमें हेल्प करता है। एक्विजिशन एंड सीरियल कंट्रोल्स, ये हमारे जो है एक्विजिशन को भी कंट्रोल करता है और सीरियल कंट्रोल, वन बाय वन जो है जो हमारी बुक्स आती हैं, एक्सेशन नंबर से हम सीरियल कंट्रोल को मैच करते हैं, उसको मिलाते हैं। इसके द्वारा हम किसी चीज़ को परचेज भी कैसे कर सकते हैं, परचेज की मैनेजमेंट करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। सब्सक्रिप्शन भी करता है, हमारी चीज़ों को जो है फेमस कर देता है, और किस हिसाब से जो है सर्च होता है हमें ये बताता है, कौन सी बुक्स हमारी ज़्यादा यूज़ आई हैं, उसके लिए कौन से मतलब स्टूडेंट्स को यूज़ हुआ है, किसी ने इसको पढ़ा है, तो ये भी हमारा बताता है। और बजट्स भी बताता है कि हमारे लाइब्रेरी का क्या बजट है, कितना हमें बजट रखना चाहिए, कैसे हमें यूज़ करना चाहिए, बुक्स कैसे मंगाना चाहिए, इस बारे में भी हमें रिमेम्बर कराता है। ओपन एक्सेस, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपैक को हम यूज़ करके हम लाइब्रेरी को इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स द इंटरफेस यूज़र एंड सर्च ऑफ द मटीरियल्स, लाइब्रेरी के आइटम्स को, मटेरियल्स को हम ओपैक के द्वारा ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और अपनी बुक्स को खोज सकते हैं, अपनी रीडिंग मटेरियल्स को खोज सकते हैं, अपनी यूज़ को हम फुलफिल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स एंड द एनालिटिकल, किसी भी चीज़ की हमें वो रिपोर्ट्स भी करते हैं, जनरेट यूज़र्स रिपोर्ट्स, कोई भी बुक्स हमारी यूज़ हुई है उसकी भी रिपोर्ट हमें कोहा देता है, और सर्कुलेशन भी देता है, सर्कुलेशन स्टैटिक्स को भी बनाता है एंड द मोर, और भी काम करता है कोहा। अब आ गया हमारा RFID। RFID क्या है? RFID एक टैग है जिससे हम लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं, बुक्स की चोरी के लिए एक बारकोड टैग लगाते हैं, जिससे हमारी बुक को कोई छुएगा, कोई बगैर हमारे कहे ले जाएगा तो वो बुक्स बीप कर देती हैं। बारकोड स्कैनर लगा होता है जिससे द्वारा हमारी बुक्स कहाँ जा रही हैं, हमारी लाइब्रेरी से बाहर जा रही हैं, तो हमें तुरंत जो है सूचना दे के, वो RFID आइडेंटिफिकेशन है, और तुरंत हमारी बुक्स जो है ट्रैक हो जाती हैं। जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टेक्नोलॉजी इज़ द इन्फ्लुएंस एंड द विजिबल टूल्स दैट हैव द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड द इनहेंस ऑटोमेशन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमोटली। रिमोट के द्वारा भी हम जो है अपनी बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिसमें हमें ये काम हमारा ऑटोमेटिक होगा। RFID सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ द RFID टैग। हमें जो है जब RFID लगानी है तो हमें 3 काम को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके मेन कंपोनेंट, मेन पार्ट्स यही हैं कि हमें RFID टैग लगाना पड़ेगा, RFID रीडर्स लगाना पड़ेगा, एंड द बैकएंड डेटाबेस, हमारे डेटाबेस को बैकएंड भी रखना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर सिस्टम को भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। RFID टैग्स आल्सो आर द नोन एज द ट्रांसपेरेंस एंड द ट्रांसपोर्टर्स। RFID जो टैग हैं हमारे लिए वो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, जैसे कि किसी भी गाड़ी में हम बैठते हैं तो हमें ले जाता है, उसी तरह
हमें हमारे गंतव्य स्थान पे पहुंचा देता है, उसी प्रकार RFID टैग्स भी हमें जो है ट्रांसपोर्टर्स का काम करेंगे और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा ये हमारी हेल्प करेंगे। हमें मैन की ज़रूरत नहीं है, हमें RFID टैग लग गई, हमारी रिमोट एक्सेस से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही हमारी बुक्स है कहाँ पर है हमें बिल्कुल पता चल जाएंगे। दैट्स कंटेन आर द एंटीना एंड द माइक्रोचिप्स। बुक्स में हम माइक्रोचिप्स जो है लगाते हैं पीछे, और एंटीना एक लगा होता है, उससे हम जो है सर्व कर लेते हैं, बुक्स को हम खोज लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं विद द स्टोरेज ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेटा। जब हम किसी बुक में यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेटा लगाते हैं तो हम बुक्स को सर्च कर लेंगे माइक्रोचिप के द्वारा। हमारी सारी बुक्स में RFID टैग के को भी यूज करेंगे एंड हम जो है डेटा को लगाएंगे एंड उस टैग्स के द्वारा जो है हम बुक्स को, हमारी ऑब्जेक्ट्स को हम लोकेट कर लेते हैं। टू बी आइडेंटिफाई ट्रैक्ड वायरलेसली यूजिंग रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के द्वारा जो है हम RFID टैग को हम यूज कर लेते हैं। अब क्लाइंट क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवांस मैनेजमेंट में क्लाउड कंप्यूटिंग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि द टर्म्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग हैज बीन द हिस्टोरिकल एज द मेटाफॉर फॉर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग इज एंड द एप्लीकेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर नॉर्मली यूज टू मिलिट्री एंड द रिसर्च फैसिलिटीज ऑफ द परफॉर्म्स टेंस ऑफ द ट्रिलियन ऑफ द कंप्यूटराइज पर द सेकेंड। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही यही है कि हमारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक है और वो हवाओं में है, बादलों में है। क्लाउड मीन्स बादल ही होता है। उसी तरह जैसे बादलों में जो है हवा विजिबल है, उसी तरह हमारा जो है डेटा भी बादलों और हवाओं में है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को परफॉर्म करके कंप्यूटर पावर को यूज़ करके नॉर्मली यूज़ करते हैं। मिलिट्री में भी होता है, रिसर्च फैसिलिटीज़ को अपडेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम 10 बातों को फॉलो करेंगे जिससे कि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा हम RFID टैग एडवांस लाइब्रेरी मैनेजमेंट को फुलफिल करेंगे। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग 3 कंपोनेंट्स में बटा हुआ, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, एक हाइब्रिड होता है। पब्लिक जो जब हम यूज़ करेंगे तो हम स्केलेबल एंड रिलायबल होगा, उसमें हम इन एक्सपेंसिव भी होगा और लोकेशन भी होगा। इसके द्वारा हम इसको यूज करेंगे, स्केल के द्वारा जो है स्केल, हम किसी चीज़ को नाप, पब्लिक को जब हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो हम उसका माप भी करेंगे। और उसके बाद रिलायबल है, हम भरोसे का विश्वास दिलाएंगे और हमारा महंगा रहेगा। और लोकेशन इंडिपेंडेंस है, और किस लोकेशन पे, कहीं पे जो है हमारा डेटा नहीं काम कर रहा है तो वहाँ पे कहीं पे हमारा नेटवर्क नहीं है, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं यूज़ हो रही है तो हम उसको नहीं कर सकते। फिर हमें ज़्यादा पावर का डेटा को यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को है, इंटरनेट की पावर ज़्यादा हमें रखनी पड़ेगी। प्राइवेट है तो स्केलेबल है, प्राइवेट है तो हम डेटा बढ़ा सकेंगे और हमारा सिक्योर भी है, हमारी कोई डेटा सिक्योर भी है, फ्लेक्सिबल भी है, हमारा जो है डेटा जब हम चाहे यूज़ कर लें, जब हम चाहे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लचीलापन हमारे जो है डेटा में होगा और ग्रेटर कंट्रोल। और जब हमारा प्राइवेट कोई चीज़ होता है तो हमारे कंट्रोल में वो रहेगा, उसका मिसयूज़ नहीं होगा। तीसरा है हमारा हाइब्रिड, स्केलेबल है और सिक्योर है। हाइब्रिड मोड पे जब हम कोई काम करते हैं या हमारी चीज़ें रहती तो हमारे स्केल में, हमारे माप तौल पर रहेंगे, जितना हम रखना चाहेंगे उतना रखेंगे, जो हमें एक्स्ट्रा लग रहा है वो हम हटा देंगे। सिक्योर है हमारा, सेफ्टी रहेगा, फ्लेक्सिबल है, हमारा लचीलापन भी रहेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और हाइब्रिड मोड में सबसे कम कॉस्ट पड़ती है, पब्लिक डोमेन में जाने में हमें ज़्यादा पड़ेगी, प्राइवेट रखने में भी हम ग्रेट कंट्रोल कर लेंगे, इसकी ये विशेषता है, और हाइब्रिड मोड में कॉस्ट को प्रभावित करेगी। अब आ गया फेडरेट सर्च एंड द डिस्कवर ऑफ द टूल्स। जब किसी चीज़ को जब हम सर्च करेंगे तो उसको डिस्कवर भी करेंगे और टूल्स को हम हेल्प भी करेंगे। टूल्स के द्वारा हम फेडरेट सर्च एंड द डिस्कवरी एंड द टूल्स ऑफ द रिप्रेजेंट
provide and the advance in the information retrieval and system enhance and the user of sustainable access to explore diverse army of the resource of the form and the multiple days and the repository and the sources of through and the single. जैसे हम आर्मी में हम किसी डेटा को सिक्योर कर लेते हैं, रिपोजिटरी में रख लेते हैं, उसी तरह हम डेटा को जब हमें ज़रूरत पड़ती तो हम रिट्रीव कर लेते हैं, दोबारा हम अपने सिस्टम के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं. तो ये एडवांस मैनेजमेंट है और रिसोर्स को मल्टीपल लोगों में हम दे सकते हैं या डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं. जब हमारा डेटा एक जगह है, कोई चीज़ हमने जो है यूज़ कर ली तो हमारे पास सेफ है, तो रिपोजिटरी भी हो गई वो, और रिसोर्सेज को थ्रू सिंगल भी इंटरफेस कर सकता है. कोई सिंगल व्यक्ति भी यूज़ कर सकता है, हमारे 10 लोग भी यूज़ कर सकते हैं. दीज टूल आर इम्फोसाइज एल्गोरिथम एंड प्रोडक्ट्स. एल्गोरिथम को भी हम यूज़ कर सकते हैं, फेडरेटेड भी है ये, फेडरेटेड डेटा भी है, डिफरेंस एंड सोर्सेज एंड इंक्लूडिंग. हम डिफरेंस के तरह के सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरी में, कैटलॉग बना के, ऑनलाइन डेटाबेस करके, डिजिटल रिपोजिटरी करके एंड द वेब. देयर आर द नीडेड ऑफ द यूज़र टू सर्च एंड द ईच रिसोर्सेज इंडिविजुअली. किसी भी रिसोर्स को हम प्रत्येक व्यक्ति को जो है इंडिविजुअली भी दे सकते हैं. जैसे कि ये ग्राफ में जो है आप देख रहे हैं कि ये बना हुआ है, इसको जो है हम सर्च करके जैसी हमें ज़रूरत है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. हम जो है अपना डेटा को आगे भी जो है इसको जिस हिसाब से यूज़ हुआ है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, किसी भी संस्था में जो है जब कोई रिपोजिटरी होती है तो हम कैसे जो है उसको स्टोर करते हैं, ये इस बात से जो है आई अवेयर होते हैं. और इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी आई आर सर्विसेज आर द सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट्स आर स्टोरेज प्रेजेंटेशन एंड प्रिजर्विंग एंड स्क्रॉली एंड द क्लैरिटी ऑफ द वर्क ऑफ द प्रोडक्ट्स बाई द मेम्बर एंड इंस्टीट्यूशन सर्च एट द फैसिलिटी मेम्बरशिप एंड रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट एंड द स्टाफ. जब कोई चीज़ जो है हम रिपोजिटरी में रखेंगे तो किसी इंस्टीट्यूट में सेंट्रलाइज होती है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही हमारी सिक्योर रहती है. हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे क्रिएटिव वर्क किसी डेटा से बना सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं मेंबरशिप के द्वारा, और किसी भी संस्था में मेंबरशिप लेके फैकल्टी जो है उसको यूज़ कर सकती है, रिसर्च स्कॉलर यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं एंड स्टाफ को भी आवश्यकता होती है तो उस रिपोजिटरी डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं. दीज आर रिपोजिटरी टाइप टिपिकल एंड कंटेन एंड द वाइड रेंज एंड द मटेरियल. किसी भी चीज़ में जब हम रिपोजिटरी को जो है रखते हैं तो वो हमारे लिए टिपिकल भी रहता है कि हम उसको वाइड रेंज में कैसे बहुत बड़े उसमें जो है कैसे मटेरियल को रखें. तो डेटा के द्वारा जो है हम उसको कम लागत में रख सकते हैं. जैसे कि हम किसी भी थीसिस को जो है आर्टिकल्स को हम डेटा के द्वारा रख सकते हैं. ऐसे फिजिकली हमें रखने में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी और फिजिकली भी हम रखते हैं और हम मैन्युअली भी रखते हैं और डेटा बेस के द्वारा भी हम रखते हैं. तो जैसे किसी रिसर्च स्कॉलर की जो थीसिस है उसको रख सकते हैं, आर्टिकल्स को रख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस के पेपर्स को रख सकते हैं, डिजर्टेशन को रख सकते हैं, डेटा सेट को रख सकते हैं, मल्टीमीडिया एंड कंटेंट किसी भी तरह के मल्टीमीडिया स्टोरेज है तो उसको भी हम रख सकते हैं, और स्क्रॉली हम उसका आउटपुट दे सकते हैं. कोई भी चीज़ हमारे पास डेटा सेव है तो हम उसका आउटपुट 5 मिनट में दे सकते हैं हमारे पास अगर सेव है. तो यही एडवांस रिपोजिटरी मैनेजमेंट का यही हमारे ऊपर इम्पैक्ट अच्छा है कि हम उसको तुरंत देख सकते हैं एंड बाय प्रोवाइडिंग फ्री ओपन एक्सेस. और किसी के लिए हम फ्री भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम किसी को डेटा जो है फ्री भी दे सकते हैं, वो एक्सेस कर ले. हमारा कोई डेटा है, कोई वीडियो लेक्चर है, कोई क्लास है तो हम उसको जो है अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. IRS प्रमोट द विजिबिलिटी. IRS जो है इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स स्टोरेज जो है हमारे किसी भी रिसोर्स को प्रमोट करता है और विजिबल दिखाता भी है और इम्पैक्ट भी डालता है. एक्सेस हमारे इंस्टीट्यूशन का ही, जैसे कोई भी डेटा एक्सेस हो रहा है, वीडियो लेक्चर एक्सेस हो रहा है तो हमें हमारे डेटा से हम प्रमोट भी हो रहे हैं और एकेडमिक कम्युनिटी में वो हम आगे बढ़ रहे हैं एंड द बॉर्डर ऑफ द पब्लिक. और पब्लिक डोमेन में भी कोई चीज़ें जा रही हैं तो हमारी एक्सेस ही हो रही हैं और हमारी डेटा को और एक्सेस करके
लोगों को रिसोर्स शेयरिंग करके लोगों को लाभ दे सकते हैं एडिशनली और एडिशनली और हम बढ़ा भी सकते हैं IRS प्ले एंड द डेटा स्टोरेज एंड विटल रोल एंड द प्रिजर्विंग। किसी भी डेटा को बहुत ही ब्रॉड रूप में, बहुत ही बड़े रूप में, बृहद रूप में हम डेटा को प्रिजर्व कर सकते हैं और उस डेटा को जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो वो संस्था अपने नॉलेज को, अपनी जो है मटेरियल को हेरिटेज के रूप में भी यूज़ कर सकता है एंड इन लॉन्ग टर्म में अवेलेबिलिटी को भी जो है बढ़ा सकता है, एक्सेबिलिटी को भी बढ़ा सकता है और अपनी वैल्यू भी स्क्रॉल कर सकता है एंड द कल्चरल इफेक्ट एंड द कल्चर को भी हम अपने आर्टिफिशियल उसमें रख सकते हैं एंड आर्टिफिशियल इफेक्ट जो है हम उसको दिखा सकते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं एंड फर्दर रिमोट IRS ओपन द सपोर्ट वेरियस फंक्शनल एंड सच एंड द मेटा डेटा एंड द मैनेजमेंट वेरियस कंट्रोल यूजेस स्टैटिक्स एंड द कंप्लेहेंस। हम अपने डेटा को वेरियस फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं सच एज द मेटा डेटा। मेटा डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं, मेटा डेटा हम कहाँ यूज़ होता है, मैनेजमेंट करने में, वर्जन कंट्रोल करने में, किसी भी चीज़ का जो है वर्जन को कंट्रोल करने में और यूजेस स्टैटिक्स हम किसी भी सांख्यिकी को यूज़ करने में हम उसको यूज़ कर सकते हैं मेटा डेटा को हम एंड कंप्लेंस एंड द दियर यूजर्स। रिमोट लॉगिंग फैसिलिटी से जो है हमें लॉगिंग कर सकते हैं एंड द वाइडली यूज द वेब प्रॉक्स सर्व्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ डिज़ाइन बाय द प्रोवाइड सोर्सेज एंड रिमोट एक्सेस एंड द लाइब्रेरीज रिसोर्सेज। किसी भी डेटा को रिमोट के द्वारा जब हम लॉगिंग करते हैं तो हमारा डेटा कहाँ है उसको जो है हम वाइडली बहुत तेज़ी से हम यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट में हमारा डेटा लोकेशन है तो हम उसको सर्च कर सकते हैं, रिमोट खोज भी सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं और लाइब्रेरी में यूजर्स को, रिसोर्सेज को हम अपने प्रोवाइड कर सकते हैं एंड डेटाबेसेस को हम जान सकते हैं, हमारे डेटाबेसेस कहाँ हैं, ई जनरल्स हमारे कहाँ हैं, ई बुक्स कहाँ हैं और इसको हम अथॉराइज भी डेटा हम दे सकते हैं एंड द यूजर्स को आउटसाइड के इंस्टीट्यूशन में भी हम अपने नेटवर्क के द्वारा हम उसको भेज सकते हैं, हमारा डेटा यूज़ हो सकता है और अन्य इंस्टीट्यूशन भी उसको लाभ में ले सकते हैं। द सिस्टम ऑफ द इंटर रिपीटिंग एंड द ऑथराइज यूजर्स रिक्वेस्ट एंड द एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज वेरीफाइंग द डेटा एंड द इंस्टीट्यूशन ऑथराइजेशन एंड द सिस्टम द प्रोवाइडिंग ऑफ द टेम्परेरी एक्सेस टू रिक्वेस्ट एंड द कंटेंट ऑफ द हम अपने डेटा को टेम्परेरी यूज़ के लिए भी किसी को दे सकते हैं और उसके बाद उसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप इसको अदरवाइज ना यूज़ करिए, इसके लिए ये अपने प्राइवेट प्रोटेक्शन के लिए भी हम अपने डेटा को रख सकते हैं एंड उनको हम बता सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और एड्रेस भी कर सकते हैं और प्रोटेक्शन भी हम अपने डेटा पे प्राइवेट के द्वारा एंड अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए हम अपने डेटा पे प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं बाई इम्प्लीमेंट्स and the libraries and the academic institution can be extend the reach of the digital collection। जो academic libraries हैं और academic संस्थान हैं वो अपने data को अपने द्वारा digital collection को भी develop करने के लिए बना सकती हैं और user experience को भी बढ़ा सकती हैं। यूज़र जब यूज़ करेंगे तो उनका जो एक्सपीरियंस है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए और यूज़र्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ देना चाहिए इसके लिए हमें सपोर्ट करता है रिमोट लर्निंग एंड रिमोट एक्सेस। रिसर्च के लिए इसको यूज़ होता है एंड रिसर्च स्कॉलर के लिए तो मतलब बहुत ही बेनिफिट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन द लाइब्रेरी सर्विसेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इस समय कैसे कार्य कर रही है और हमारी लाइब्रेरी को एडवांस बनाने में कैसे हेल्प कर रही है और हमारे यूजर्स को बढ़ाने के लिए AI क्या काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज़ द रिसोल्यूशन द वे ऑफ द एकेडमिक लाइब्रेरी प्रोवाइड द सर्विसेज एंड द सपोर्ट दियर यूजर्स। आर्टिफिशियल AI क्या करता है, स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, एकेडमिक लाइब्रेरी को प्रमोट करता है और सपोर्ट करता है उन यूजर्स के लिए जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए आवश्यकता है और एकेडमिक लाइब्रेरी को भी सपोर्ट करता है।
AI provides the chat bot and the being developed by the provide instant, तुरंत जो है किसी चीज का सोल्यूशन निकालता है. इंस्टेंट आपको तुरंत जरूरत है तो इंस्टेंट आपको AI कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, पर्सनलाइज भी प्रोवाइड कर देगा, असिस्ट भी कर देगा, आपको जो है किसी चीज की सलाह भी दे देगा, लाइब्रेरी यूजर्स को भी वो बता देगा और अवेयरनेस और आंसरिंग भी करेगा. कोई चीज़ आप जब पूछेंगे एआई से तो वो आंसर भी करेगा और आपके क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा और रिसर्च रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगा. रिसर्च इंक्वायरी कैसी आ रही है कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी में कौन किस चीज़ में रिसर्च है नहीं है, रिसर्च इंक्वायरी को भी वो हेल्प करेगा और प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन, और किसी ने किसी चीज़ की रिकमेंडेशन भी की है तो उसको भी वो प्रोवाइड करता है बाय द एनालाइज यूज़र बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस. और एआई क्या करता है, हमारे जो है यूज़र जो कैसे हैं उनके बिहेवियर को भी जो है प्रोवाइड करेगा और परफॉर्मेंस भी करेगा. एआई एक जादू है जिससे कि हम लाइब्रेरी में इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इस पर हम बिलीव भी कर सकते हैं. AI algorithm, AI जो है algorithm को भी यूज़ करता है. can suggest relevant books, वो AI हमारी जो है जो relevant book है हमसे related है इस समय जो use में है प्रसिद्ध book को भी वो दिखाता है, articles को भी हमारे दिखाएगा जो latest articles हैं हमारे subjects में आए हैं, other जगह जो चल रहे हैं उसको भी वो दिखाएगा. and others resources को जो हमारी यूज़ का नहीं उसको टॉलरेट भी करेगा. जैसे कि हम अपने लाइफ में भी कहते हैं कि कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो आप टॉलरेट भी कर सकते हैं, उसी तरह AI भी हमारे जीवन में बहुत ही मदद करता है और वो अदर रिसोर्सेज को जो आपको नहीं पसंद है टॉलरेट करना है तो उसको इंडिविजुअली आपको सजेस्ट भी करेगा, यूजर्स को सजेस्ट करके उसमें इंटरेस्ट भी दिखाएगा कि आप किस चीज़ को टॉलरेट करें. कोई डेटा आपको नहीं पसंद है, कोई बिहेवियर नहीं पसंद है तो आप इसको टॉलरेट भी कर सकते हैं. AI हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एकेडमिक लाइब्रेरी. AI जो है अपने पोटेंशियल्स को भी रखता है, अपनी जो है दावा रखता है, अपनी हिम्मत रखता है, अपनी ताकत रखता है कि एकेडमिक लाइब्रेरी के सर्विसेज को वो कैसे दे सके. और बाय द प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज असिस्टेंट, और पर्सनल रूप से भी वो असिस्ट करता है इम्प्रूव करने के लिए, रिसोर्स को खोजने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए एंड स्ट्रेंथिंग एंड द ऑपरेशंस. और लाइब्रेरी को चलाने के लिए या किसी चीज़ को AI को यूज़ करने के लिए भी आप कैसे ऑपरेशंस को करेंगे उस हिसाब से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं. फ्यूचर स्ट्रेंड एंड द एडवांस सम कीज ऑफ द फ्यूचर स्ट्रेंड एडवांस एप्लीकेशंस के लिए डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपन एक्सेस होना चाहिए एंड ओपन साइंस भी होना चाहिए. डेटा मैनेजमेंट रिसर्च एंड सपोर्ट के लिए भी होना चाहिए और कोलाबोरेशन एंड पार्टनरशिप होनी चाहिए. कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी एडवांस इन द एकेडमिक लाइब्रेरीज हैज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्म द लाइब्रेरीज ऑपरेट एंड सर्व द यूजर दियर यूजर. द डिजिटल ट्रांसफॉर्म हैज लीड टू शिफ्ट एंड द टू वर्ड्स डिजिटल कलेक्शन ओपन एक्सेस इनिटेटिवस एंड द डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज. द इंटीग्रेटेड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड द मशीन लर्निंग हैज़ इनहेंस रिसोर्स डिस्कवरी एंड द यूज़र एक्सपीरियंस. हमारा कंक्लूजन ये निकला कि टेक्नोलॉजी को जब हम एडवांस में यूज़ करेंगे तो एकेडमिक लाइब्रेरी को बहुत ही फ़ायदा होगा, वो ट्रांसफॉर्म होंगी, परिवर्तित होंगी और हमारी लाइब्रेरी में जो रास्ता ऑपरेशंस का जाता है जिससे हम लाइब्रेरी को चलाते हैं, लाइब्रेरी में सर्विस प्रदान करते हैं तो वो हमारे यूज़र्स को फ़ायदा दे सकता है और डिजिटल ट्रांसफॉर्म में भी फ़ायदा देगा. वो लीड करेगा, एक लीडर की तरह जाके डिजिटल फॉर्म में वो लीड करेगा, खुद ही नेता बन जाएगा. टू द शिफ्ट ऑफ द टू वर्ड्स, और वो उसको दूसरे रूप में भी बदल सकता है, डिजिटल कलेक्शन कर सकता है और ओपन एक्सेस कर सकता है जो हम सभी के लिए ज़रूरी, जो हम सभी इंटरनेट से यूज़ करते हो. अनिटेटिव भी रखेगा, डेटा मैनेजमेंट सर्विस को भी देगा और इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग को सीखने के लिए हमारे जीवन में आगे भी बढ़ाएगा हमको और रिसोर्स को डिस्कवर करेगा और यूजर एक्सपीरियंस को भी बताएगा. थैंक्स.